हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पैन इंडिया कॉरपोरेशन कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी की शेयर प्राइस 3.23 रुपये और एक दिन में 4.5% की तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 21% के रिटर्न, पिछले 1 महीनों में 60% के रिटर्न, पिछले 6 महीनों में 53% के रिटर्न, यानी कंटिन्यूस अपर सर्किट देखने को मिला है। 1 साल में 22% के रिटर्न, पिछले 5 सालों में 1515% के रिटर्न, यानी कंटिन्यूस काफ़ी अपर सर्किट लगने के बाद कंटिन्यूस लोअर सर्किट देखने को मिला और वापस अभी इस कंपनी में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 96% के यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो कंपनी है फाइनेंशियल सर्विस में वर्क कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 70 करोड़ का है, ऑलमोस्ट डिविडेंड यील्ड 0 है, कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है। आरओसी 7% नेगेटिव है, आरओई 7% नेगेटिव है, यानी ऑलमोस्ट आरओसी और आरओई नेगेटिव है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 45% के स्टैक है। डेप्ट की बात करें तो 0.30 करोड़ का डेप्ट है। इसी के साथ साथ यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, तो कंपनी को कंटिन्यूस काफ़ी टाइम से लॉस देखने को मिल रहा है और इस क्वार्टर में भी 0.73 करोड़ का लॉस है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.54 करोड़ का लॉस हुआ था और इस क्वार्टर में ये लॉस बढ़कर अभी 0.73 करोड़ हो चुका है। इसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस कंटिन्यूस लॉस देखने को मिला और लॉस बढ़ते हुए भी देखने को मिल रहा है, 0.95 करोड़ से 1.29 करोड़। और यहाँ पे बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, जो कि 200 करोड़ लॉस में है और कंपनी के डेब्ट की बात करें तो 0.30 करोड़ यहाँ पे कंपनी पे बोरोइंग्स है, यानी ऑलमोस्ट कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, कंपनी के जो बिजनेस की बात करें तो काफ़ी रिस्की कैटेगरी की ये कंपनी है। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कंपनी का शेयर भाग रहा है, तो आप देख सकते हो पिछले मैक्सिमम रिटर्न्स में या 5 सालों के रिटर्न्स में कंटिन्यूस तेजी होने के बाद कंटिन्यूस लोअर सर्किट भी देखने को मिलेगा, तो आप इस स्टॉक में बुरी तरह फंस जाओगे। तो ऐसी कंपनी से दूर रहिए और इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल्स जरूर चेक कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें। थैंक यू।